नमस्कार मित्रों, अब हमें समझ में आया कि ओएसी जी इतने रंझे हुए प्लेयर कैसे हैं, बात को कैसे जलेबी की तरफ घुमाते हैं। अब हमको समझ में आया, बड़े ही जिसको कहते हैं ना स्मूथ, बहुत स्मूथ है। लेकिन भगत बनर्जी जब ऐसा स्मूथ कैरेक्टर आता है उनके सामने, तो फिर उस भगत बनर्जी के पास भी उसका सलूशन है। ऐसा रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड हमारे पास है कि ओएसी जब फिसल जाएंगे, ओएसी जी तोप चलाएंगे या तफंचा कट्टा चलाएंगे या सवाल है फायर, फायर का नाम सुनकर मंडर होता है। सवाल से नर्वस हो रहे हो, फायर तो आप ऐसे ही लगा रहे हो, सवाल से नर्वस हो रहे हो। कितने राउंड? 6 राउंड। मैगजीन में 20 सवाल हैं। ओएसी जी तैयार हैं? रूल्स ऑफ द गेम इन भक्त बनर्जी रैपिड फायर राउंड, सवाल का जवाब यस नो या फिर एक लाइन। हम बहुत उदार किस्म के लिबरल, एक लाइन पर जवाब यस नो या एक लाइन। रेडी? तैयार है? दोनों में से एक को चुनिए, दोनों में से एक को चुनिए। योगी जी, मोदी जी, राहुल गांधी को भी ऐड कर लीजिए उसमें। योगी जी, मोदी जी ने राहुल गांधी को ऐड कर लीजिए। सॉफ्ट कॉर्नर फॉर राहुल गांधी। नोट किया जाए, नोट किया जाए, ना ना ना, थ्री मस्केटियर्स है, एक का नाम मिस कर दिया आपने, ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू, देश खतरे में है। देश खतरे में है भक्तों से। देश कौन सा खतरे में? देश बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप अपने आप अभी तो अपने आप को बहुत अच्छा, खतरे में। डैश का मतलब क्या है? डैश डैश फिल द ब्लैंक। आपको भाग्यनगर नाम से क्या प्रॉब्लम है? इतना अच्छा सुंदर नाम है, आपको मंजूर है? यस नो, इफ नॉट नो व्हाई? वन लाइन। नाम ही नहीं है वो कुछ। भाग्यनगर कितना सुंदर नाम, नाम ही नहीं है कुछ, वो है ही नहीं नाम। आरटीआई का एप्लीकेशन डाला गया था, एएसआई से पूछा गया, नाम ही नहीं है वो। हाँ, देश के प्रधान सेवक के दिमाग में आइडिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो नाम बदल रहे हैं हर जगह का। आइडिया। क्वेश्चन नंबर 4, टू चाइल्ड पॉलिसी, मास्टर स्ट्रोक और नॉट? कितनी शादी हुई आपकी? अरे हमने बोला ना, हमारा प्रेम सिर्फ देश प्रेम। आप शादीशुदा हैं? नहीं है। आपको क्या पता, पे छोड़ दीजिए ना उसको। क्वेश्चन नंबर 5, मोदी जी से मिलेंगे तो उनसे क्या कहेंगे? प्लीज। चाइना। अरे ऐसे कोई जवाब हो सकता है? मैं एक लाइन कुछ, अरे एक ही लाइन सामने आ गया, बोलेंगे चाइना, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे बोलेंगे, वो बोल ही नहीं रहे। अरे बोल ही नहीं रहे, वो चीन बोलने ही नहीं, बोलना नहीं चाहते चीन। वो अब लगता है कि चाय में चीनी डालना भी छोड़ चुके हैं, चीन बोलेंगे कहीं चीन ना निकल जाए। एक कन्फेशन कैमरा के सामने, अगर हम विश्व गुरु बन गए, नंबर वन नेशन इन द वर्ल्ड, आप पॉलिटिक्स छोड़ दोगे? बताओ। अगर हम विश्व गुरु बने, जब बनेंगे तो है। कब बनेंगे ना? कब? अभी अमृतकाल में घुसे हैं, बनेंगे ना 25 साल में तो कभी बनी जाएंगे ना। अरे बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे अच्छी हो चुकी है, बांग्लादेश की इकोनॉमी अगर हो गई तब तो छोड़ दोगे पॉलिटिक्स? क्यों छोड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं हम, पकड़ के रखने वाले सबको, सब पे सत्ता। मगर आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री अगर कोई और बन गया, योगी बन गया या कोई और बन गया, आपका क्या होगा? अरे हमारा तो, हमारे अच्छे दिन ही है, अभी चिंता मत करिए, हम तो कहीं नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले, तो अच्छे दिन है। अरे 24 के बाद भी आप ही? अरे 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 कोई टेंशन ही नहीं अभी तो, अरे राहुल बाबा जिंदाबाद, उसके बाद तो। अच्छा, उनकी वजह से 24 आपका निकल गया और हेल्प हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट कलर ऑफ ओएसी जी बताइए। फेवरेट कलर हम खुद कलरफुल है, हमको हर रंग पसंद। गेरवा बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बोल दीजिए। कलरफुल आदमी है। अच्छा, सही है। हु इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बेस्ट चीफ मिनिस्टर मेरे को लगता है हमारा योगी जी। तेलंगाना का केसीआर ठीक है। सॉफ्ट स्पॉट। अच्छा, अगर मोदी जी के पास आपको लगता है विकास का फॉर्मूला नहीं है, तो आपके पास कौन सा 2AB विकास का फॉर्मूला है बताइए? वन लाइन फॉर्मूला। एक लाइन में कैसा बताएंगे? अच्छा, टू लाइन ले लो। टू लाइन में नहीं बता पाएंगे, फॉर्मूला है कोई? फॉर्मूला देश, देखिए देश का चलाने का फॉर्मूला है। कोक नहीं है कोई देश, मैकडोनल्ड नहीं है कि बर्गर की तरह, मोदी जी ने ऐसे कर दिया देश को। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, नहीं है आपके पास, सिंपल भाषा में लोगों को कह रहे हैं। 15 लाख दे दिया आपको, मिले आपको ही मिले 15 लाख।
वो तो इलेक्शन से पहले बोलते ना, ये अमित जी ने बताया था ना, जुमला है, बोला जुमला, जाता है इलेक्शन से पहले। जुमला है। अच्छा, तो अमित जी को आप चाणक्य मानते हो या नहीं मानते हो, बताओ। देखो बीट तो नहीं कर पाए हो आप, अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं। नहीं ना, अमित जी, अमित जी कौन है? अरे अब मैं अब पूरा नाम, हम पूरा नाम भी नहीं ले पा रही है, कौन है समझा करिए ना। अरे बताइए ना कौन है ये। अरे हमारे गृह मंत्री की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चाणक्य है कि नहीं है बताइए भाई। बहुत से चाणक्य है, बहुत से चाणक्य है, एक चाणक्य थोड़ी है, हर आदमी अपने चाणक्य से। देखिए एक लाइन में सुनिए, चाणक्य अगर चाणक्य मानते हैं कि बांग्लादेशी कैसे आ रहे देश में, अब कहा, अरे आ रहे हैं बांग्लादेशी, आ रहे हैं, अभी पकड़ा गया कोई। अच्छा ठीक है, ये नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा मत बताइए मुझे राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है, बताइए। चलिए सबसे तो आपको अभी बताया आपने क्या वो त्रिदेव थ्री पीपल, हाँ जो राहुल गांधी, वो भी खराब, सब खराब है, सबसे करीबी दोस्त आपके हैं वो। नहीं, हमें फायदा तो मिलता है उनसे लेकिन करीबी क्यों बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आपके करीबी दोस्त हैं हमको लगता है, बहुत आप लोगों से बड़ी मोहब्बत है, अंदर से टूट कूट कूट कर भरी है मोहब्बत आप लोगों को अल्लाह से। अब जिससे मुनाफा हो उससे मोहब्बत तो हो ही सकती है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हाँ, है। अब हमारा जवाब मिल गया आपको, फिर तो आपको भी मुनाफा मिलता है उस दिल की बात जुबान पे आ ही गई तुम्हारे, मुनाफा आपको भी मिलता है। ए, 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 ट्रिपल तलाक से अभी वुमेन एम्पावरमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए यस और नो बताइए। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट उस वक्त होगा जो महिलाएं शादीशुदा हैं और अपने पति के साथ नहीं रहती हैं, वो डिजर्शन बहुत बढ़ गया देश में। अब ट्रिपल तलाक कानून बनाए, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं बीवी को अपने, जाओ हमने तलाक नहीं दिया तुमको, आप छोड़ दिए, डिजर्शन बढ़ गया, आप देख लीजिए। इतना अच्छा लॉ लाए उसमें भी आपने प्रॉब्लम निकाल दिया। नहीं, अच्छा लॉ इतना अच्छा है, सुनिए सुनिए, नहीं लॉ इतना अच्छा है कि 2 साल अगर कोर्ट सजा दे दी तो शादी टूटती नहीं है, और जब 2 साल के बाद वो उसका सो कॉल्ड हस्बैंड निकलेगा तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बहनों तुम्हारा काम यह है कि जेल के सामने बाजा लो और गाना गाओ कि बहाओ फूल बरसाओ, 2 साल के बाद मेरा बेवकूफ आया है। वाह 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 वाह, शेर और शायरी सेशन शुरू हो गया। एडिटर अब ये वाला जरा जूम इन करना इस वाले पे, हाँ ट्रिक क्वेश्चन है। तो ओएसी जी, आप नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स के खिलाफ हो या फॉर हो? भाजपा में बहुत से नेता हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। अरे भाजपा में बहुत से नेता हैं भाई, जिनके पप्पा मम्मी बड़े बड़े लीडर थे, तो आप समर्थन करते हो इसका? नहीं नहीं, है ना, सर जगह पर है नेपोटिज्म, कहां पर नहीं है बताइए आप, भाजपा में तो बहुत है। आप अपने आप को भाजपा से कंपेयर कर रहे हो? मैं नहीं नहीं कंपेयर नहीं कर रहे भाई, भाजपा खुद प्रैक्टिस कर रही है रूलिंग पार्टी रहकर। अच्छा, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चूज, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी या फिर 370, अभी हाल ही में ये एनिवर्सरी भी हुआ, 370 एब्रोगेशन, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताइए अकॉर्डिंग टू। 50 लाख जनता की नौकरी चले गई डिमोनेटाइजेशन, वो मास्टर का स्ट्रोक नहीं था बल्कि जालिम स्ट्रोक था। काला धन निकल रहा है रोज, बड़ा जालिम स्ट्रोक था वो। अरे आप बोल लीजिए काला धन रोज, बड़ा जालिम स्ट्रोक था वो, जिससे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। आपको तो होता ही नहीं है ना, आपको ब्रेन है ना हार्ट है। अरे ये क्या है? कुछ नहीं, आप लोगों को काट देना, ऐसे कैसे बोल सकते हो? है ही नहीं आप लोगों को, हम आपका आदर करते हैं, आप सीनियर लीडर हो, ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। आप में थोड़ी दिल है, थोड़ा दिमाग है, दिल भरा है हमारा, देश के लिए भरा हुआ है हमारा। आप लोगों को रटा रटा चढ़ा जाता है, बोलिए वो बोला जाए, बस वही बोलते हैं आप। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से आए, जनता से आए या फिर वहां से आए ऊपर से? हमने बनाए, हमारे हमारे भी हमें भी जानने वाले। छोड़ो, तुम पढ़ नहीं सकते, एक लाइन तुमको कहाँ मालूम, सब रटा रटा आया तुमको। अरे बड़े अपमान में अपमान हुआ। अच्छा ठीक है, आप बताओ, तो आप बताओ कितने घंटे काम करते हो? हाँ आप देखते हैं मैं कितने घंटे काम करते हो, बताइए क्या क्या आपने तो उखाड़ लिया होगा पॉलिटिक्स में अभी तक। मैं कितने घंटे, 24 घंटे 10 मिनट काम करता हूँ, बताइए फिर कैसे, ये भी बता दीजिए। वो क्यों नहीं बता सकते, टाइम ट्रैवल करके वो नहीं बता सकते आप, दूसरे गैलेक्सी से आके हैं, मल्टी यूनिवर्स चल रहा है यहाँ, वो बता नहीं सकते, वो बताएंगे तो मान कर रहे हैं, लॉजिक का नहीं है, हमें ब्रेनलेस कह दिया है, हमें करना ही नहीं है यार ये इंटरव्यू, पर 3 सवाल बाकी है। $5 trillion में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन बताइए आप, 5 trillion मोदी जी के भक्त हैं, बताइए ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? अरे
ये पुराना वाला सवाल है ये वो नहीं चलिए कितने होते हैं ये हाँ मुझे मालूम है ये संबित जी को भी इसी के चक्कर में फांसने की कोशिश है ना आप भक्त है तो जीरो जानने की क्या जरूरत है क्या जरूरत है जानने की जरूरत मैं क्या करूंगा जान के अच्छा जीरो जीरो को जीरो नहीं मालूम मैं फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी ना जीरो को जीरो नहीं मालूम होता है सही है सही है पांच ट्रिलियन कहाँ हुआ है मैंने, अभी मैंने तो अभी तो, जीरो होना चाहिए अभी तो अभी तो देर मैंने आपसे पूछा आपने क्या किया उसमें आपने एक जीरो क्या लगाया उसमें ये बताओ ना हमने बच्चे पैदा कर रहे हैं अच्छा जेल में सबसे ज्यादा हम हैं अरे हाँ वो भी बहुत बड़ा वो भी उसमें ऐड कर लीजिए योगदान कहाँ से हुआ फ्री में खा रहे फ्री में जेल में यूएपीओ सबसे ज्यादा हम है एनकाउंटर में हम ज्यादा है मॉब लिंचिंग में हम सबसे ज्यादा है ये भी तो इकोनॉमी हो गई मेरा सर फट रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमी हमारा बड़ा योगदान है बड़ा योगदान है हमारा हर घर तिरंगा में क्या कर रहे हैं क्या प्लान है आपका बताइए प्लान 15 अगस्त को क्या कर रहे हैं बताइए चलिए हम खुद बंबू है इतना बड़ा बंबू है यार ये मैं यार चलाऊंगा कैसे मैं ये क्या क्या बातें कर रहे हैं आप फेवरेट न्यूज एंकर कौन है बताइए फेवरेट न्यूज एंकर बहुत है द नेशन वांट्स टू नो ऐसा लगता है कि रख फट जाएगी फिर ऐसे बहुत है क्यों आपको टॉर्चर किया था लगता है अपना का बहुत लव है अब आप नाम नहीं लिए हम देखिए आप नाम ले रहे हैं अरे नेशन वो एक ही वो आपके दोस्त हैं माने हमारे हम बहुत प्यार करते हैं अच्छा ये क्या है माने वो जो हमारी बात आगे रखते हैं बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं मैं ये कह रहा हूँ अच्छा मैं नहीं करना मुझे करना ही नहीं है अच्छा ये बताइए आप मैंने सुना कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज और ये मेडिकल कॉलेज में वो हैं ओहदा रखते हैं आप बोर्ड है बोर्ड में रखते हैं ये क्यों करते हैं ऐसा आप ऐसा बार बार अरे आपको क्यों वो बने वो इतना हो रहा है वो है हमारा आप उससे विचलित मत होइए इससे आपको क्या हम विचलित हो रहे हैं तब से आपको इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से क्या करना है आपसे डर लगने लगा दूर रहिए इनसे आप नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लिए साइंस ऊपर है रिलीजन वेरी क्विकली यस और नो साइंस रिलीजन अच्छा अब तो बोलना ही पड़ेगा बोलना ही पड़ेगा फांस लिए प्लास्टिक सर्जरी तो पहले ही थी हैं लोग उस जमाने में हेलमेट बन चुका था मैं आपकी बात कर रहा हूं आप हा? प्लास्टिक सर्जरी पे चले प्लास्टिक सर्जरी पहले ही थी और माशाल्लाह से हेलमेट पहले ही बन चुका था सब चीज हो चुका था साइंस तो कुछ है ही नहीं लगता पहले हो चुका था नहीं बताएंगे ना ये रैशनल बिहेवियर नहीं है भक्तों का हम साइंस की बात कर रहे हैं और कागज फाड़ रहे हैं आप ये आपकी आखिरी सवाल नहीं नहीं इतना इतना नाराज क्यों आखिरी सवाल जो इतना कटाक्ष मारे हैं इतना कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं भक्त बनर्जी का मजाक उड़ाए हम आपके आप कमर भाव से घर आए थे आपके इफ नॉट मोदी देन इतना है ना कौन ला किसको ला रहे बता फाइनल 130 करोड़ का देश है भाई 130 करोड़ का देश है बहुत लाखों में लोग हैं जो इस देश को अच्छा लेकर चलेंगे फिक्र मत करिए आप लोग एक बार जरा हम लोग सब सोच ले आपके बारे में बहुत आगे जाएगा देश माने आपने एक इंसान बना दिया हमारे लीडर को 130 से कंपेयर कर दिया क्यों क्या वो भगवान है आपके लिए कम भी नहीं है उससे कम भी नहीं है तो आप इसीलिए तो नजर नहीं आ रहा आप लोगों को 8% अनएम्प्लॉयमेंट महंगाई अरे ये सब छोटी मोटी चीजें चलती रहती है देश में देश देखिए कहां जा रहा है कहां जा रहा है इतिहास हम बचा रहे हैं कौन सा जो गलत हुआ है उसको ठीक कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज गिरते जा रहे हैं ये सब छोटी मोटी चीजें ठीक हो जाएंगी अभी हमें आइडेंटिटी मिली है अपनी कौन सी गर्व हुआ है हमें अरे देखते हैं दुनिया हमारे बारे में क्या बात करती है 75 साल से आइडेंटिटी नहीं थी भारत की अभी मिली आइडेंटिटी मैंने पहले ऐसे ही थी कि ऐसे ही है पोखरण हुआ था 1 और 2 जब आइडेंटिटी नहीं थी भारत की अरे सर्जिकल स्ट्राइक तब हुआ एनीवेज छोड़ो नहीं नहीं आप नहीं 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 सर्जिकल स्ट्राइक एक हुआ दो हुआ दो बार घुस के मारा है दो बार घुस के मारा है पहले। अब चीन बैठा है सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे आप करेंगे और जब जाएंगे इंशाल्लाह सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो आप रहेंगे भक्त आगे रहेगा फौज नहीं रहेगी भक्त जाके एक बार हमको बुलाए एकदम हाजिर हैं हाजिर हैं अरे भक्त जाके सर्जिकल स्ट्राइक करेगा चीन के ऊपर एडिटर बस ठीक है नहीं 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 धन्यवाद लकड़ी लेकर जाएंगे या देखिए आप वायलेंट वाली बात है आप हमसे कह रहे थे लकड़ी बंबू आप हमको डरा रहे हो अब हमको डर लग रहा है आपसे हम खतरे में लग रहा है हमें खतरे में लग रहा है अब हमें खतरे में लग रहा है एडिटर चलो भैया
पैकअप कर लो, इससे पहले हमारे भी यहाँ पैकअप हो जाए। चलो चलो चलो, ये पता नहीं। हाँ ठीक है, धन्यवाद जी, मजा आया आपको। नहीं नहीं मैं क्या बताऊँ, आपने ना मैंने 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 सोचा था कि आपको थोड़ा सा समझाएंगे। हमको एक ऐनक भिजा दीजिए, 5 लाख की है। तो वो आपको हमारी ऐनक से क्या प्रॉब्लम? नंबर वाली है ये, इससे एक्सरे दिखता है। हमको दिख गया है आज, हमको दिख गया है। आप मानने वाले में से नहीं हो। पीछे भी दिखता है, सुना हम। सब दिखता है इसमें, लॉजिक अच्छा, कौन समझ इस, रहा है? मगर इसमें हमसे सुना कि एक चिप है कि देश के प्रधानमंत्री देख पाते हैं आपको। ऐनक में चिप है आपके। अच्छा बस ठीक है, एडिटर काट रहा है यार, बंद करो। नमस्कार मित्रों,